अगर आपका मन ऐसी अवस्था में है तो सबसे अच्छा होगा कि आप मंत्र जाप करिए। इनमें से कोई एक चीज आप करिए, ये काम करेगा। तो सहज बैठने से आपकी बात नहीं बन रही, आप और ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी भी चीज को करने के अलग अलग तरीके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वही व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन ग्रहणशीलता के एक से स्तर पर हो, इसलिए मंत्र का उच्चारण है, मौन है, साधना है, ऐसी दूसरी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। आप अगर सिर्फ इन तीनों को ले लें, गुरु पूजा है, एक सरल मंत्र है, या मौन होकर बैठना, या साधना, इनमें से कोई एक चीज आप करिए, ये काम करेगा। अगर आप और उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश ना करें, आप कल्पनाएं करने लगेंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि मैं उपस्थित हूं या नहीं, आप मौजूद हों। अगर आप एक जगह पर बैठते हैं तो ज्यादातर समय आप उस जगह मौजूद नहीं होते, आप पूरा ब्रह्मांड घूम लेते हैं। अगर आपका मन ऐसी अवस्था में है तो सबसे अच्छा होगा कि आप मंत्र जाप करिए या कोई साधना करिए या गुरु पूजा करिए, ताकि आप मौजूद रहें। अगर आप मौजूद हैं तो मैं हमेशा मौजूद हूं। मैं अभी तक असफल नहीं हुआ। अगर मैं अपना शरीर छोड़ देता हूं तो भी मैं उपस्थित रहूंगा। तो आपको उपस्थित होना होगा, यही सबसे जरूरी बात है। आपकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत आपकी उपस्थिति की है। आपकी जगह कोई दूसरा यस मैम बोलकर हाजिरी नहीं भर सकता जब आपका नाम लिया जा रहा हो, तो आपको मौजूद होना होगा। जिस भी तरीके से आपसे बन पड़े, आप वैसे मौजूद रहें। आप कुछ किए बिना मौजूद नहीं रह सकते, तो कुछ कर लें। आप प्रेजेंस टाइम को अपना गुरु पूजा टाइम बना लीजिए। आप ये कीजिए, आपके लिए यही हल है। ये आपके मौजूद होने के बारे में है। आपका मौजूद होना वास्तविकता का एक दूसरा आयाम है। मैं, क्या मैं मौजूद हूं? मैं हूं, क्योंकि उपस्थिति कोई भौगोलिक चीज नहीं है। सदगुरु, क्या आप मेरे घर में मौजूद हैं? मैं सारे दरवाजों पर ताले लगा दूंगा। क्या आप दरवाजे तोड़कर अंदर आएंगे? आप कम से कम अपने दरवाजे खुले क्यों नहीं रखते? मुझे जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर चोरों की तरह क्यों आना होगा? वैसे चोर दरवाजा तोड़कर नहीं आता, चुपचाप आ जाता है। क्यों? आप दरवाजे खोलकर क्यों नहीं बैठते? ये आपकी मौजूदगी की बात है। अभी आप चारों ओर बिखरे हुए हैं, तो अगर आप यूं ही उपस्थित नहीं हो सकते, तो मौजूद रहने के लिए किसी गतिविधि का प्रयोग करें। गुरु पूजा एक गतिविधि है। या अगर समय और स्थान ऐसा है कि आप गुरु पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम मंत्र का जाप करें, यह भी एक प्रकार की गतिविधि है। अब उपस्थिति, आप मेरी चिंता ना करें, बस आपको उपस्थित होना होगा। मैं मौजूद ही रहता हूं हमेशा। पर सदगुरु, 6:20 को डेट्रॉइट टाइम के हिसाब से आप तो सो रहे होंगे। आप चिंता ना करें, मैं उपस्थित हूं। अगर मैं मर जाऊं, फिर भी मैं उपस्थित हूं। Ishaa Jagadishaa
अखिलानंदस्वरूपा ईशा महेशा
स्वरूपा